सर, क्या इन क्वेश्चंस की कोई एज होती है या कोई टाइम होता है? कभी ऐसा क्वेश्चन दिमाग में आ जाए जिसमें हमारे बहुत घंटे वेस्ट हो जाएं, तो दुनिया की नज़र से तो हम बेवकूफ़ हुए, लेकिन हमें पता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम यहाँ बैठे हुए हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं आपसे। देखो, टाइम तो वेस्ट आपका और भी जगह पे हो ही रहा है। कहाँ कहाँ हो रहा है वो तो आप ही को पता है। आपके मोबाइल पे कितनी देर कितना टाइम वेस्ट होता है वो अगर अभी आप अपना मोबाइल ओपन करोगे तो उसमें दिख जाता है कि कितने कितने घंटे आप यूज़ कर रहे हो और क्या क्या यूज़ कर रहे हो। और एक्चुअल में इसमें कितने लोग हैं जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं इस क्वेश्चन में, वो भी आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कितनी बार ऐसा होता है कि बैठ करके एक्चुअल में अपने आप से पूछते हो, अगर एक्चुअल में पूछते हो, इज दैट अ वेस्ट ऑफ टाइम? यू आर डेवलपिंग योर इंटेलेक्ट। इफ यू आर पैसिवली कंज्यूमिंग कॉन्टेंट जो चारों तरफ भरा पड़ा है, तो यू आर बिकमिंग मोर एंड मोर डल। आपकी ब्रेन और ज्यादा लिथार्जिक हो रही है, लेजी हो रहे हो, पैसिवली बैठे हो, कुछ भी कॉन्टेंट कंज्यूम कर रहे हो। बट अगर आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो, ये छोड़ो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, एक्चुअल में दैट इज नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम। यही तो गड़बड़ है, यही तो हमारे एजुकेशन सिस्टम ने धज्जियां उड़ा दिया हम लोगों के माइंड की। क्वेश्चन पूछते हैं अगर टीचर से तो बोलती है टाइम वेस्ट मत करो, जो मैं बता रही हूं उतना सुनो, उतना समझो, जो लिखा है बस वहीं तक देखो, फालतू के क्वेश्चंस मत पूछो। क्वेश्चंस मतलब फालतू के, घर वाले भी ऐसे बोलते हैं, तुम फालतू के क्वेश्चंस मत पूछते, जो कहा जा रहा है जितना कहा जा रहा है उतना करो। क्वेश्चंस कभी फालतू के नहीं होते हैं, जो आप करते हो सुबह से रात तक वो सब फालतू का है। पता होना चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, व्हाट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड व्हाट इज यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। अगर आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो अपने आप से, जवाब मिला नहीं मिला उसको तो छोड़ ही दो, क्योंकि जवाब एक दो दिन में नहीं मिलता है। ये कोई छोटा क्वेश्चन नहीं है कि मैंने आज पूछा और कल मुझे जवाब मिल गया, क्योंकि इसका जवाब कहीं नहीं है। बाकी सवालों के जवाब तो गूगल से मिल जाते हैं एक सेकंड में, आपने क्वेश्चन पूछा आपको जवाब मिल गया, इसका जवाब कहां से ढूंढोगे कि आप क्या हो? वो तो आपको पता ही है, आपका जो नाम है वो आप हो। टॉपिक क्लोज। तो अब अगर इस क्वेश्चन के साथ आप ठहर सकते हो, आंसर मिला नहीं मिला उसको छोड़ो, तो दैट इज नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम, दैट इज यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, बिकॉज अब आप किसी और क्वेश्चन के साथ भी ठहर सकते हैं कि मेरे लिए एक अच्छे करियर का मतलब क्या, मेरे लिए एक अच्छी लाइफ का मतलब क्या, मेरे लिए एक अच्छे लाइफ पार्टनर का मतलब क्या, मेरे लिए किसी के साथ रहने का मतलब क्या और किसी को छोड़ने का मतलब क्या, मेरे लिए प्यार का मतलब क्या, मेरे लिए हेल्थ का मतलब क्या, मेरे लिए जिंदगी का मतलब क्या, मौत का मतलब क्या। ऐसे क्वेश्चंस तो हम कभी पूछते ही नहीं है, सब पता है जी हमें, तो ज्ञानी है हम तो सारे के सारे, सारे दुनिया जहान का सारा ज्ञान हमारे पास में है। तो ऐसे आराम से समझना होता है ठंडे दिमाग से कि लाइफ में एक्चुअल में वेस्टेज ऑफ टाइम क्या है और यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम क्या है। क्वेश्चनिंग इज नेवर अ वेस्ट ऑफ टाइम, नॉट क्वेश्चनिंग इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, नॉट जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट इज वेस्ट ऑफ लाइफ। Living a life without questioning is a waste of life. आप सिर्फ time को waste नहीं कर रहे, पूरी life को waste कर रहे।